बड़ी खबर सामने आ रही है। एमपी कांग्रेस कमेटी ने जारी कर दी है लिस्ट, नगर निगम पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। कांग्रेस ने जारी की है 45 वार्डों की सूची। बलराज सिंह पटेल, किरण कल्याणी, प्रीति बैस को बनाया गया है प्रत्याशी। अनुपम टोप्पो, अरुणा पटेल, रियाज नगौरी भी बने हैं प्रत्याशी। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आ रही है, जहां पर कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। कुल 45 वार्डों के लिए लिस्ट जारी की है। आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस आखिरी समय तक रुका रहा है और आज लिस्ट जारी कर दी है। आपको बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर देवास से आ रही है, एमपी कांग्रेस कमेटी ने लिस्ट जारी कर दी है। नगर निगम पार्षद प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। कांग्रेस ने 45 वार्डों के लिए इस सूची को जारी किया है। बलराज सिंह पटेल, किरण कल्याणी, प्रीति बैस को बनाया गया है प्रत्याशी। इसके अलावा अनुपम टोप्पो, अरुणा पटेल, रियाज नगौरी भी बने हैं प्रत्याशी। आज नामांकन का आखिरी दिन है। मध्य प्रदेश में आज पूरे प्रदेश भर में नामांकन किया जाएगा, उससे पहले सूची जारी करी जा रही है। बीजेपी पहले ही अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर चुकी है और आज कांग्रेस ने भी अपने आखिरी दिन में सूची जारी कर दी है। देवास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर कांग्रेस कमेटी ने नगर परिषद चुनाव के लिए प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं प्रताप सिंह ठाकुर देवास से। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 45 वार्डों के लिए सूची जारी की गई है, कौन कौन से बड़े नाम हैं और किस तरीके से सभी के रिएक्शन आ रहे हैं। जी हाँ, देवास में 45 वार्डों में से केवल 2 वार्डों की सूची अभी जारी नहीं की गई है। 643 वार्डों की सूची जारी कर दी गई है, जिसमें कुछ नाम जो महापौर को दावेदारी को लेकर थे, उन्हें पार्षद प्रत्याशी के सूची में संतोष करना पड़ा है। जिन्होंने महापौर की दावेदारी की थी, उनका नाम भी पार्षद की लिस्ट में आया है। जी प्रताप जी, आज नामांकन का आखिरी दिन है, ऐसे में कांग्रेस आखिरी समय तक क्यों रुकी रही? कांग्रेस को अंतर विरोधियों का भय सता रहा था, उसको लेकर इन्होंने बिल्कुल समय आखिरी दिन ही, नामांकन के आखिरी दिन ही लिस्ट को घोषित किया है, क्योंकि आपसी कलह की एक बड़ी वजह बताई जा रही है लिस्ट की देरी को लेकर। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आपको बता दें कि आज नामांकन का आखिरी दिन है और देवास से भी कांग्रेस कमेटी ने अपनी सूची जारी कर दी है।